मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। बहुत बार हमारे मन में प्रश्न रहता है कि हम अपने ऑफिस में इतने लंबी समय तक 8-8, 10-10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते रहते हैं, क्या ये कंप्यूटर के रेज का हमारे बेबी पे क्या असर हो सकता है या बेबी को खतरा हो सकता है? कंप्यूटर पे देर समय तक काम करना ये हमारी ज़रूरत बन गई है, क्योंकि आज बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं, बहुत सारा काम है, ये सारा हमारे स्क्रीन से जुड़ा हुआ रहता है। जब हम प्रेग्नेंट रहते हैं तब भी हमें ये सारा काम करना पड़ता है। कंप्यूटर के रेस से या कंप्यूटर की हीट से डायरेक्टली आपके बेबी को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। कंप्यूटर के रेस से आपकी आँखों में दर्द होता है, आपकी आँखों पे थकान आ जाती है और हम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन बेबी पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आप जब लंबी समय तक बैठते हो तो डेफिनेटली आपको और आपके बेबी के लिए ये थोड़ा इनकन्वीनियंट रहता है। इसीलिए आप कितने भी इम्पॉर्टेंट काम में हो, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको थोड़ी थोड़ी अंतराल के बाद आपको टहलना है, आपको आपकी पोजीशन चेंज करनी है, आपके पैर नीचे रहेंगे तो ऊपर किसी मेज पे रखने हैं और आपको आपकी पोजीशन चेंज करती रहनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको अच्छी मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करना है। हर 2-3 घंटे के बाद आपको लिक्विड्स लेने हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, जब आप ऑफिस में खाना लेके जाते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाहर का पकाया हुआ खाना या होटल का खाना, रेस्टोरेंट का खाना आपको नहीं खाना है। आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी समय के बाद आपको खाते रहना है, क्योंकि एक साथ पेट भर कर खाना आपको नहीं खाना है। जो खाने के पदार्थ रहते हैं इस पर मैं सलाह दूंगी कि 2-3 पोर्शन ड्राई फ्रूट्स के होने चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स के होने चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स खाना और अच्छे चबा के खाना आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रूट्स का जूस निकाल के खाने से उनमें जो रेशेदार पदार्थ रहते हैं उसकी हानि होती है और बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिशन एंड विटामिन का लॉस हो जाता है। इसीलिए आपको फ्रेश फ्रूट्स और रेशेदार पदार्थ खाने हैं, क्योंकि आपका जॉब जो है वो एक जगह पे बैठ के आप कर रहे हो। इसीलिए आपको टहलना, पानी पीना और रेशेदार पदार्थ का ग्रहण करना आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए, और हमारे ये गायनिक, प्रेगनेंसी एंड इनफर्टिलिटी रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।